नहीं आ सकती। अब पेरेंट्स ने इन्होंने जाके कुछ बातें उनकी मान भी ली, इन्होंने कहा चलो हम ये भी मानते हैं कि कड़े का साइज छोटा कर देंगे, चलो ये भी मानते हैं कृपान छोटी कर लेंगे, लेकिन हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये बच्ची सिर नंगी आएगी, बच्ची सिर पर दुपट्टा रख के आएगी। उन्होंने कहा आप टीसी ले जाइए, तो टीसी उसको दे दी गई, बच्ची स्कूल से निकल गई, आज बच्ची दूसरे स्कूल में दाखिल की गई। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हो, कहां कहते हो सबका साथ सबका विकास? पहले हिजाब पे बातें करते हो, अब सिखों को अपने टारगेट करना शुरू किया, दुपट्टे उतारने अपने बच्चियों के शुरू किए, पगड़ी को चैलेंज करना शुरू किया, हमारे ककार को चैलेंज करना शुरू किया, मिट जाओगे हमें मिटाने वाला याद रखो, नहीं छोड़ेंगे, स्कूल वालों को नहीं छोड़ेंगे। अगर इस किस्म की जातियां करोगे, हमारे जो सेंशियल फेस हमारे रिलीजियस के, उनको चैलेंज करने की कोशिश करोगे, एक एक सिख मरने मराने के लिए तैयार हो जाएगा, नहीं स्पेयर करेंगे। आज इमोशनल होकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हमारे मजहब पर सीधा सीधा हमला है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार किया जा रहा है। हमारे पेशेंस को टेस्ट मत कीजिए, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये मैं संविधान के फादर से भी एक बाइट ये भी सुन कहते कि इनके साथ क्या भी था ब्रिज तुम कर। हाँ जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चों जिन बच्चों को जो गुरसिख बच्चे बनना चाहते हैं, जो गुरसिखी की पालना करना चाहते हैं, आज वो बच्चे बहुत तंग हैं, वो स्कूलों में उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि ये सिर का कवर करके नहीं आना, लेगिंग पहन के नहीं आना, कपड़े इस तरह के नहीं पहने, कपड़े जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं हमें वो मिलने चाहिए बिल्कुल। और कुछ बच्चे मेरी नॉलेज में इसलिए अमृतधारी नहीं हो रहे कि वो उनको स्कूलों में ये प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमें ये कल को ये लगता है कि हमारे बच्चों को तो गुरसिखी धारण ही नहीं करनी चाहिए, कोई माता पिता अपने बच्चों को गुरसिखी नहीं बनाएगा ताकि उनको कल हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं आगे ये कहना चाहूंगा कि जो मेरी सरकार से भी ये दरख्वास्त है कि इस मसले में अपने इंटरवीन करे, जो भी नोटिफिकेशन कोई निकाले ताकि किसी और बच्चे को ये प्रॉब्लम ना आए। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं चार जबानों में न्यूज, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। Twitter और Instagram पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com